What's going to be चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं थोड़ा बता दूं कि हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी के इकाई 2 को मैंने समाप्त किया था। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर का नाम है आपका विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग। इकाई 3 कर दीजिए स्टार्ट। मेरे भाई निर्माण उद्योग किसको कहते हैं? चैप्टर का ही नाम है। हम लोग जिसको उद्योग कहते हैं उसी का दूसरा नाम है विनिर्माण उद्योग। और विनिर्माण उद्योग उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर वस्तु का फिर से निर्माण किया जाता है। अर्थात वहां पर एक वस्तु से दूसरा वस्तु तैयार किया जाता है। जैसे लकड़ी किसी उद्योग में ले गया और लकड़ी से टेबल डेस्क बेंच बनाया, तो एक वस्तु हुआ लकड़ी और उससे टेबल डेस्क बनाया तो दूसरा वस्तु हो गया ना। तो उसी उद्योग को, उसी स्थान को विनिर्माण उद्योग कहते हैं जहां पर किसी दूसरे वस्तु से अन्य वस्तु तैयार किए जाते हैं। अब सूती वस्त्र उद्योग में देखिए कि कपास से वहां पर वस्त्र तैयार किया जाता है। तो आपने विनिर्माण उद्योग का क्या मतलब है समझ गए। और मेरे भाई मैं बता दूं इस चैप्टर में विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग क्या है और विनिर्माण उद्योग के कितने प्रकार हैं और विनिर्माण उद्योग की भारत में क्या स्थिति है, इन इस तरह से जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब यह चैप्टर हमें देगी। इसको पढ़ने के बाद भारत के उद्योग से संबंधित सभी प्रश्नों का, सभी स्थितियों की हमें जानकारी मिलेगी। शायद समझ गए। अब मैं बता दूं आप लोग को, शायद जानते ही होंगे कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ाना तो उस चैप्टर में जितनी भी चीज पढ़ाना होता है उसको इंपोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत लिखते हैं। तो आज भी वही करेंगे, इस चैप्टर में जितनी भी चीज पढ़ना है उसको इंपोर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट, एक नंबर में लिखिए निर्माण उद्योग या विनिर्माण उद्योग का अर्थ, परिभाषा, परिचय। दो नंबर में लिखिए उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग का वर्गीकरण। और तीन नंबर में लिखिए भारत के प्रमुख उद्योग। और चार नंबर में लिखिए स्वच्छन या फुटलूज उद्योग। और पांच नंबर में लिखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान। उद्योगों का योगदान। सर चार नंबर में क्या लिखे है? छह नंबर में लिखिए वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
और सात नंबर में लिखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी। और आठ नंबर में लिखिए उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण और उसका प्रभाव। उत्पन्न प्रदूषण और उसका प्रभाव। नौ नंबर में लिखिए प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय। स्थानीयकरण के कारक कहाँ? 11 नंबर का है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर। 12 नंबर में है सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। प्रौद्योगिकी उद्योग 13 नंबर में है प्रमुख कस्टमर नियंत्रक। इन जो हमने स्टार्ट किया ज्योग्राफी का निर्माण उद्योग उसका मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा दिए। अब उसका इंपोर्टेंट पॉइंट एक नंबर का जो है उसको पहले आप लोग कॉपी के बीच में लिखिए। निर्माण या विनिर्माण उद्योग का अर्थ परिभाषा। एक बार पेन नीचे रखिए। विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग, मेरे भाई विनिर्माण उद्योग का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी वस्तु से कोई दूसरी उपयोगी वस्तु तैयार किया जाते हैं। दूसरे शब्द हम कहें कि कच्चे माल से उपयोगी वस्तु तैयार करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है या निर्माण उद्योग कहलाता है। इसलिए उसको विनिर्माण उद्योग कहा जाता है क्योंकि वहां पर किसी दूसरे वस्तु से उपयोगी वस्तु तैयार किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु का वहां पर रूप बदला जाता है। मेरे भाई शायद इसको आप लोग समझ गए कि विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग क्या है। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए। कच्चे माल के सहयोग से उपयोगी वस्तु तैयार करने की प्रक्रिया को विनिर्माण या निर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे लकड़ी से कुर्सी टेबल आदि तैयार करना विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। वैसे तो हमारे देश में इस उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन
आधुनिक उद्योग का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। तो इस तरह से मेरे भाई आज हम अब अगले पॉइंट को और नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।